स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड की यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम सबसे आज जो मेथड है हमारा वो है मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सहायक समीकरण विधि, सहायक समीकरण विधि। हमारी जो इक्वेशन है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म में होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। ठीक है, अब इसकी जो हमने पढ़ी थी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, मतलब इसकी जो समाकलनीयता की शर्त थी वो क्या थी हमारे पास, इसकी शर्त थी पी इंटू डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर इंटू डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारी थी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर होता है यहाँ पे भी पी का कोफिशिएंट क्या dx है और यहाँ पे पी का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करने को डिवाइड करेंगे तो, या फिर डिवाइड करना बोलो या फिर इसको भी बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट को हम इसकी और इसकी कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसकी और इसकी कंपेयर की, तो यहाँ पे पी का कोफिशिएंट क्या है, dx है अपॉन इसका यहाँ पे पी का कोफिशिएंट क्या है, डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यू का कोफिशिएंट क्या है, डिवाइड यहाँ पे क्या है अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड और यहाँ पे क्या है, डी जेड अपॉन डेल पी अपॉन डेल आर माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। ये जो इक्वेशन आपको फाइंड आउट हुई यही हमारी एक्सिलर इक्वेशन है, क्या है, सहायक समीकरण है। ठीक है, अब सहायक समीकरण है, अब हम जानते हैं, हम पहले पढ़ते सिमुलटेनियस मेथड में भी पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें दो 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 इक्वेशन मिलेंगी इनको। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले कर दिया फर्स्ट और सेकंड को लेने पर, फिर सेकंड या थर्ड को लेने पर, जो कि हमको दो इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन जो इंटीग्रेट हमको समाकलन मिलेगा उसमें एक को हम कह देंगे यू, एक को कह देंगे वी। ठीक है, यू और वी कहने के बाद अब हम क्या करते हैं, ए इंटू डी यू प्लस बी इंटू डी वी। ठीक है, क्या करते हैं, ए इंटू डी यू प्लस बी इंटू डी वी इक्वल टू जीरो। इसमें du और dv तो यहाँ से निकालते हैं, अब फिर क्या करते हैं, du और dv यहाँ पे सब वैल्यू रख के फिर हम इस इक्वेशन और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी उससे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद a और b की वैल्यू निकालते हैं, और ये जो a और b की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, वो वैल्यू इसमें हम वापस रख देंगे, वैल्यू को वापस रखने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमको उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेथड है। क्वेश्चन लिखते एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई टू दी पावर टू एक्स इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स स्क्वायर dx plus 3y square dy minus x cube plus y cube into e to the power 2x into dz equals to 0। सबसे पहला काम हमको इसमें भी यही करना, हमारे पास यहाँ पे p equals to क्या है, 3x square। ठीक है, q equals to क्या है, 3y square और r equals to क्या है, minus of x cube plus y cube plus e to the power 2x। ये हमारे पास आ रहा है। सबसे पहला हमारा काम यही है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तो करना ही करना है। इस टोटल इंटीग्रेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है संपूर्ण अवकल समीकरण सब में, इस चैप्टर में ही हमको सबसे पहला काम ही क्या करना है, समाकलनीयता की शर्त को चेक करना है। और समाकलनीयता
की शर्त तो मैं अच्छी तरह से तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि इसको कैसे चेक कर दो। वही अपन लिखते हैं जो P इंटू ये लिखा था अपन ने, P इंटू डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर इंटू डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। यही हमारी क्या है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। इसको हम इसमें इसका वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी जीरो ही आएगी। ठीक है, कन्वर्ट करें तो सबसे पहले निकालो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल क्यू अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यू। क्यू क्या है हमारे पास, थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल जेड क्या है, थ्री वाई स्क्वायर। डेल क्यू अपॉन डेल जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में क्यू का करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई आर का वाई के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री माइनस थ्री वाई स्क्वायर, माइनस थ्री वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालो तो क्या है, डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। और अब निकालेंगे हम डेल पी अपॉन डेल जेड, डेल पी अपॉन डेल जेड, डेल पी अपॉन डेल जेड में पी का जेड के रेस्पेक्ट में लेंगे तो जीरो ही आएगा क्योंकि इसमें है ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल पी अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालो, डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल पी पी का वाई के रेस्पेक्ट में भी जीरो ही आएगा। और फिर निकालेंगे हम डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स निकालो, क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में ये भी जीरो ही आएगा। ठीक है, हमको मिल कौन से रहे, अरे ये दो वैल्यू मिल रही बाकी सब जीरो वाली, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में मिल रहा है और आर का ही वाई के रेस्पेक्ट में मिल रहा है। ठीक है, बस यही वैल्यू मिल रही बाकी सब जीरो वाली, वैल्यू रखो इसमें पी, पी क्या है हमारे पास, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ये वैल्यू रखो जीरो प्लस थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे हमारे पास ये तो वैल्यू रखा थी, अब रखो क्यू की, क्यू की क्या है, प्लस थ्री वाई स्क्वायर, प्लस थ्री वाई स्क्वायर इंटू ये रखी माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर और ये आ गई माइनस जीरो। फिर प्लस आर, आर की जगह पे माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई टू दी पावर टू एक्स। एक सेकेंड, जो हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स किया था उसमें क्या आएगा, माइनस डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स किसमें होता है, डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसमें हमारी एक टर्म्स और आएगी, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस टू ई टू दी पावर टू एक्स, माइनस टू ई टू दी पावर टू एक्स। और फिर यहाँ पे क्या डेल आर अपॉन डेल एक्स है, डेल पी अपॉन डेल जेड तो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म्स में हमारे पास आया था डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड, यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स में माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ई टू दी पावर टू एक्स भी आएगा। ठीक है, माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस ई टू दी पावर टू एक्स इंटू क्या आएगा, डेल क्यू अपॉन डेल जेड जो जीरो है माइनस डेल आर अपॉन सॉरी क्या आएगा, डेल पी अपॉन डेल वाई जो जीरो, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स भी हमारे पास जीरो है। ठीक है, ये तो हमारे इस क्वेश्चन में एक थोड़ी मिस्टेक्स है, यहाँ डी रखा है इसमें z x, बट ये x नहीं है z है, क्या है ये z, क्योंकि x होगा तो फिर इक्वेशन ही हमारी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये x नहीं है हमारे यहाँ पे z है। ठीक है, z है तो फिर ये वाले टर्म्स हट जाएगी यहाँ से, ये यहाँ हटेगी तो यहाँ पे, क्योंकि ये इसको जीरो बना रहा है, ये जीरो बना रहा है, हमारे इसको भी जीरो बनने के लिए ये अगर टर्म्स यहाँ से हट जाएगी
तो ही ये जीरो बनेगा। तो ये हमारे यहाँ पे टू ई टू दी पावर टू एक्स नहीं है, ये ई टू दी पावर टू जेड है। ठीक है, अब देखो इसको इक्वल टू क्या बनना चाहिए, जीरो। ये बन गया थ्री एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा नाइन, नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगेन माइनस नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी जीरो बन गई टर्म, इससे भी कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास जीरो। इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वह अब समाकल नियता की शर्त को संतुष्ट कर रही है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी समाकल नियता की शर्त को संतुष्ट, अतः इक्वेशन फर्स्ट समाकल नियता की शर्त को संतुष्ट कर रही है। शर्त संतुष्ट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये संतुष्ट है, समाकलनीयता की शर्त संतुष्ट है। ठीक है, समाकलनीयता की शर्त संतुष्ट हो गई, अब हम आगे करेंगे, आगे क्या करना है हमको, इसका निकालना क्या है हमको, इसकी ये जो इक्वेशन है उसको एक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सी विधि है हमारी, सहायक समीकरण विधि। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे सहायक समीकरण कौन सी है, ये वाली जो इक्वेशन है वो भी हमारे क्या है, सहायक समीकरण। ठीक है, ये हमारे सहायक समीकरण है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे सबसे पहले हम, dx अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड, डेल क्यू अपॉन डेल जेड तो क्या था हमारे पास जीरो ही था, या फिर इसमें देखिए कर लेंगे इसको हम उधर साइड भी कर लेते, डीएक्स अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड, डेल क्यू अपॉन डेल जेड मतलब क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में क्या था ये जीरो, माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, आर का वाई के रेस्पेक्ट में, आर का वाई के रेस्पेक्ट में माइनस थ्री वाई स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी था और इसमें आएगा थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑलरेडी है और साइन में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस थ्री वाई स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू डी वाई अपॉन क्या है डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और डेल पी अपॉन डेल जेड, जीरो ही है हमारे पास। ठीक है, ये तो जीरो ही है, अपॉन डी जेड अपॉन डी जेड वाले टाइम डेल पी अपॉन डेल वाई डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये दोनों हमारे पास जीरो ही हुई है। ठीक है, जीरो माइनस जीरो, इक्वेशन क्या होगी, डी एक्स अपॉन थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन जीरो, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये है इक्वेशन सेकेंड और ये है इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट टू सेकेंड से क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो थ्री से थ्री तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस थ्री से थ्री को ये रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब अपॉन थ्री डी एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन थ्री
सॉरी dx वापस नहीं आएगा, x की ओपन 3 प्लस y की ओपन 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा c1। ये 3 3 को अपन इधर ले लेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगी x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू c1, और इसी को हम कहेंगे लेट u। क्या कह देंगे इसको u, इसी को हमने कह दिया है u। अगर ये u है तो du क्या हो जाएगा यहां से, ठीक है, अगर इसको u कहा तो du क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy, ठीक है, ये हमारा du हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड से इक्वेशन निकाल दिए हमने, अब लेंगे अपन फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड, थर्ड से क्या हो जाएगा dz इक्वल टू जीरो, dz इक्वल टू जीरो देन z इक्वल टू c2, और इसी को हमने कह दिया लेट v। क्या कह दिया v, जब हमने इसको v कहा है, ठीक है, मतलब z इक्वल टू v कहा है तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा dv, ठीक है, ये चीज हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे a इंटू du प्लस b इंटू dv इक्वल टू जीरो इक्वेशन लेंगे, ठीक है, a इंटू du प्लस b इंटू dv इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम du और dv की वैल्यू जो है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, du बराबर क्या आ रहा है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसको कह दो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है और ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन dv, ये वाली, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू यहां पे रखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये a इंटू क्या है, ये 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dr, 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy प्लस b इंटू dv, dv की जगह क्या है dz इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया फोर्थ। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ, इक्वेशन एक और चार की तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इक्वेशन एक है और चार की तुलना कर रहे हैं। जब इक्वेशन एक और चार की तुलना करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन एक और चार की तुलना करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमको, यहाँ या तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की तुलना करो या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की तुलना करो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे भी क्या है, मतलब dx का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 3x स्क्वायर है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है, a है, ठीक है, इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से dx प्लस dx dx कट जाएगा, a इक्वल टू 1, क्या मिलेगा a इक्वल टू 1। यहां से मिलेगा हमको a इक्वल टू 1। जब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे dx का कोफिशिएंट क्या है 3x स्क्वायर a, यहाँ पे भी यहाँ 3x स्क्वायर है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1, ठीक है, a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब b की वैल्यू के लिए लिखना है तो इसे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे b इंटू dz, dz के कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस e टू दी पावर 2z, b इक्वल टू माइनस ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस e टू दी पावर 2z। अब हम यहां पर देख चुके हैं x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू क्या है u है, x क्यूब प्लस y क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे u प्लस e टू दी पावर 2z, z इक्वल टू क्या माना है हमने v, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2v, ठीक है,
ये हो गया यू प्लस ई टू दी पावर टू बी माइनस ऑफ यू प्लस ई टू दी पावर टू बी। अब ये जो हमारे बी और ए और बी की वैल्यू थी वो इक्वेशन फोर में सब्सिट्यूट करो डीवी इक्वल टू जीरो, ठीक है ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन अलग अलग कर दो डी यू इक्वल टू यू प्लस ई टू दी पावर टू वी इंटू डीवी, ठीक है अब क्या करेंगे डी यू अपॉन डीवी इधर ले जाओ तो डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू यू प्लस ई टू दी पावर टू वी, तो यहां से क्या हो जाएगी ये डी यू अपॉन डी वी डिवाइड बाय डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, ठीक है तो ये आ जाएगा माइनस यू इक्वल टू ई टू दी पावर टू वी, ये हमारी होगी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है इस रूप में आ गई इक्वेशन हमारी। अब ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई टू दी पावर माइनस यू डी यू, क्या है माइनस डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, ठीक है ये माइनस वन आएगा माइनस इंटू डी यू ये आएगा, ठीक है इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो आएगा ई टू दी पावर माइनस यू, क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर माइनस ऑफ यू, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब क्या करते हैं डिवाइड बाय डीएक्स, तो डिवाइड बाय डीएक्स होता है तो अपन वाई में वैल्यू रखते हैं ना, अब करो इसको मल्टीप्लाई करते तो ऊपर आ गया यू इंटू ई टू दी पावर माइनस यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई टू दी पावर टू वी इंटू माइनस वी, यहाँ पे आएगा यू इंटू ई टू दी पावर माइनस वी इक्वल टू ई टू दी पावर टू वी इंटू ई टू दी पावर माइनस वी इंटू डी वी प्लस सी वन, ये कोई कॉन्स्टेंट ले लिया हमने या सी ही ले लो तो हमने कोई सी कॉन्स्टेंट ले लिया। अब क्या करेंगे अपन यू इंटू ई टू दी पावर माइनस वी इक्वल टू इसमें से एक इंटीग्रेट कट जाएगा ई टू दी पावर टू वी माइनस वी ई टू दी पावर v इंटू डी वी प्लस सी, यहां से क्या हो जाएगा u इंटू ई टू दी पावर माइनस वी इक्वल टू ऑल्सो ई टू दी पावर v प्लस सी, अभी c टू दी पावर इसको इधर ले जाए ये क्या हो जाएगा हमारे पास u इंटू ई टू दी पावर माइनस वी इक्वल्स टू ई टू दी पावर वी प्लस सी, देन यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसको इधर डिवाइड कर दो ई टू दी पावर टू वी प्लस सी इंटू ई टू दी पावर वी, ठीक है ई टू दी पावर टू वी प्लस सी इंटू ई टू दी पावर वी। अब वैल्यू रख दो वापस यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास यू इक्वल्स टू क्या माना था हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है u की है तो माना था हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है इसको u माना था और e टू दी पावर टू वी, टू वी की जगह क्या था z प्लस c इंटू ई टू दी पावर z, ये हो जाएगा ठीक है यही हमारे क्या हो जाएगी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ई टू पावर टू जेड प्लस सी इंटू टू पावर z, यही क्या है हमारा इसका सॉल्यूशन है। अब हम आगे एक और मेथड पढ़ते हैं जो मेथड है जनरलाइजेशन मेथड, ठीक है जनरल मेथड ये हमने पढ़ा था सहायक समीकरण विधि एक्सिलरी मेथड, ठीक है कोई भी मेथड हो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको समाकल नियता की शर्त को देखना है कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, वो शर्त को सेटिस्फाई करें उसके बाद ही हमको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना, ठीक है हमारे पास है जनरल मेथड।
ट्रीटिंग वन वेरिएबल एज कॉन्स्टेंट बाय ट्रीटिंग वन वेरिएबल एज अ कॉन्स्टेंट बाय ट्रीटिंग वन वेरिएबल एज अ कॉन्स्टेंट. इसमें क्या करते हैं हम p इसमें x y या z किसी एक को हम एज अ कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं और फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये करते हैं जब से जो इक्वेशन हमारी होती है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो. इसमें क्या करते हैं किसी भी एक को हम एज अ कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, मतलब जैसे कि जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके चले, जेड इक्वल टू जब अगर कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा. ठीक है, जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके चले डिजाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से डिजाइड इक्वल टू जीरो आगे तो इक्वेशन क्या होगी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ गई. अब इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करना. ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे जो इक्वेशन आएगी उसी का वापस डिफ्रेंशिएशन करते हैं. क्या करते हैं, उसी का वापस डिफ्रेंशिएशन करते हैं. अब इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है उस कॉन्स्टेंट की जगह हम अगर ये z को कॉन्स्टेंट माना तो उसको फाइव जेड मानेंगे, हम क्या मानेंगे फाइव जेड. जैसे इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है उसमें फाइव जेड, क्योंकि हमारा ऑलरेडी z क्या है कॉन्स्टेंट है, उसको हम फाइव जेड मान के चलते हैं. ठीक है, फाइव जेड मान के चलने के बाद अपन क्या करते हैं, इसमें फाइव जेड मानते हैं, फाइव जेड मान के करने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन से करेंगे. एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू जीरो. क्या है हमारे पास, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू जीरो. ठीक है, जेड को अगर हमने कॉन्स्टेंट माना, ठीक है क्या हो जाएगा, जेड को कॉन्स्टेंट माना तो डीजेड इक्वल टू जीरो. ठीक है, जेड को कॉन्स्टेंट मानेंगे तो डीजेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब डीजेड इक्वल टू जीरो होगी तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, अलग अलग कर दो इसको, एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, या फिर डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई लिख दो. ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, हमारा कॉन्स्टेंट सी वन आता है उस सी वन की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे फाइ ऑफ जेड, या लेके चलते हैं हम लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई इक्वल टू हम फाइ ऑफ जेड लेके चलते हैं. अब क्या करते हैं इसका, ये जो इक्वेशन आई इसका वापस क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है. ठीक है, इसका वापस क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग. ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है
वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू पाई डेट जेड डी जेड. क्या हो जाएगा ये वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू पाई डेट जेड डी जेड. अब हम क्या करते हैं इसमें एक्स वाई को एलसीएम ले लिया, एक्स वाई को एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ये एक्स वाई इधर चला जाएगा एक्स वाई पाई डैश जेड डी जेड. ठीक है ये एक्स वाई हमने एलसीएम लेके इसको पहले तो इजी लिखा उसके बाद सेकंड फॉर्म में हमने कर दिया वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू फाई डैश जेड डी जेड. ठीक है फाइव डेज जेड डी जेड कन्वर्ट कर दिया. अब हम क्या करते हैं अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे फाइव डी एक्स माइनस एक्स डी वाई फाइव एक्स वाई. अब इस इक्वेशन की और हमारी ये जो इक्वेशन है इन दोनों की कंपेयर करते हैं. ठीक है इन दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं जेड की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है इन दोनों की वैल्यू अगर इन दोनों के हम कंपेयर करें इसकी और इसकी तो हमको अब कंपेयर कर क्यों रहे क्योंकि हम इसको कह दिया मैंने दो हमको उस वैल्यू किसकी निकालनी है जेड की इसलिए हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की कंपेयर की इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की कंपेयर की हमने तो यहां से क्या मिलेगा टू एक्स स्क्वायर जेड इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू फाइव डैश जेड. क्या मिला टू एक्स स्क्वायर जेड इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू फाइव डैश जेड ये मिलेगा हमको. ठीक है अब यहां से क्या हो जाएगा टू एक्स यहां से क्या हो जाएगा टू इंटू एक एक्स दो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई इधर ले लेंगे टू इंटू एक्स वाई इंटू जेड इक्वल्स टू फाइव डैश जेड डीजेड तो आ गया. ठीक है फाइव डैश जेड आ गया टू इंटू एक्स वाई अपॉन वाई इंटू जेड इक्वल्स फाइव डैश जेड. अब हमने एक क्वेश्चन किया था कि इसको जब हमने हमारी जो इक्वेशन कौन सी वाली एक्स अपॉन वाई वाली एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाली जो इक्वेशन थी ना अब हमको क्या करना है टू इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू जेड इक्वल्स टू फाइव डैश जेड. ठीक है अब ये एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू निकालनी है वो हम कहां से निकालें. ठीक है हमको देखना है अब हमको देखना है तो हम क्या करेंगे कहां से निकले यहां से देखें लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल्स टू फाइव जेड. ठीक है ये होता है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन क्या हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू फाइव जेड देन एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए टू दी पावर फाइव होगी कि नहीं होगी इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन है यहां से एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए टू दी पावर फाइव. तो ये जो ए टू दी पावर यहां क्या रखेंगे हम टू इंटू ए टू दी पावर फाइव इंटू जेड इक्वल्स टू फाइव डैश जेड को हम डी फाइव अपॉन डी जेड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में जेड के रेस्पेक्ट में ही है ना तो डी फाइव अपॉन डी जेड लिख दिया. ठीक है अब हम यहाँ पे क्या आ रहा है टू इंटू ए टू दी पावर फाइव इंटू जेड इक्वल्स टू डी जेड डी फाइव अपॉन डी जेड. अब इसको सेपरेट कर दू तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू डी फाइव अपॉन डी फाइव और ई टू दी पावर फाइव इधर आ जाएगा ये आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस फाइव इंटू डी फाइव. ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा इधर तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस फाइव क्या कहना माइनस ई टू दी पावर माइनस फाइव. ठीक है ये होता है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर माइनस फाइव इसको इधर ले लेंगे ये माइनस आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस फाइव इक्वल्स टू कोई नया कॉन्स्टेंट हम ले लेंगे पी ले लो. ठीक है जेड स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस फाइव इक्वल्स टू पी. अब इसको हमने क्या किया जेड स्क्वायर इसको
इक्वल टू पी करती है, ठीक है। देन ई टू दी पावर माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, पी माइनस जेड स्क्वायर हो गया। ई टू दी पावर माइनस फाइव इक्वल टू पी माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको पी को ई को हम इधर ले जाएंगे, ई को इधर ले जाएंगे, ई टू दी माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जब ट्रांसफर होता है क्या तो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग ऑफ पी माइनस जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है, लॉग ऑफ पी माइनस जेड स्क्वायर। ये माइनस इधर किया, देन फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ पी माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब फाइव की वैल्यू क्या थी, हमने देखा है फाइव की वैल्यू थी लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, जो हमने माना था लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई को क्या माना था, फाइव जेड माना था, वही फाइव है ही, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग वाई वैल्यू रख दिया, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ, इस माइनस को हम ऊपर ले देते हैं, पी माइनस जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन, ठीक है, इस पावर को हमने माइनस वन लिया। हम जानते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या, तो लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग ऑफ की पावर वन अपॉन एन, ये क्या हो जाएगा, पी माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू y इंटू वन अपॉन पी माइनस जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगी ये वैल्यू, y माइन x इक्वल टू y इंटू वन अपॉन पी माइनस जेड स्क्वायर, ओके, थैंक यू। ये आज हमारा इस चैप्टर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट लेक्चर था। अब हम नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।